फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ कि जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नॉलेज पावरफुल होने वाला है। दोस्तों, ये पूरा लेक्चर देखना, आपका कॉम्प्लेक्स सर्किट कैसे इजीली सॉल्व करते हैं वो मैं आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, कोई भी सर्किट में कितना करंट फ्लो होता है, कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो, कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, व्हीटन ब्रिज है तो बैलेंस, अगर बैलेंस व्हीटन ब्रिज है तो आपको पता है, लेकिन व्हीटन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है तो इस पोजीशन में हमको करंट कैसे निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है, सब कुछ सभी बातें मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहना और मैं जो भी टिप्स और ट्रिक्स दूँ वो दिमाग में रखना। दोस्तों, यहाँ पे हम पहले ऐसी सर्किट लेते हैं जिसमें मैंने आपको अगले लेक्चर में नोडल एनालिसिस सिखाया था कि नोडल एनालिसिस कैसे करते हैं, किरचॉफ का जो करंट लॉ है KCL वो कैसे लगाते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ KVL वो कैसे लगाते हैं, वो सब मैंने अगले लेक्चर में आपको सिखाया था, व्हीटन ब्रिज भी सिखाया था। लेकिन यहाँ पे कोई सर्किट कॉम्प्लेक्स हो तो इजीली कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं बताने वाला हूँ। कोई भी दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक सिंपल सर्किट है, यहाँ पे ये 30 ओम रेजिस्टेंस है, ये 20 ओम रेजिस्टेंस है और ये 10 ओम रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पॉइंट दिए हुए ए बी सी और बीच में जो जंक्शन बनता है वो डी पॉइंट है। दोस्तों, मान लो अगर आपको यहाँ का पोटेंशियल दिया हुआ 70 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल दिया शायद 10 वोल्ट चलो, और यहाँ का पोटेंशियल दिया है 10 वोल्ट और यहाँ का चलो पोटेंशियल दिया है 0 वोल्ट। हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ का सभी पोटेंशियल दिया है, लेकिन जिस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं दिया है वो अगर हम फाइंड आउट कर ले, अगर एग्जाम में क्वेश्चन हो कि डी पॉइंट का पोटेंशियल निकालिए तो कैसे निकालेंगे इजीली, अगर आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं या करंट लॉ लगाते हैं तो अगर आप ऐसा करेंगे कि यहाँ 70 वोल्ट ज़्यादा पोटेंशियल है तो करंट यहाँ से फ्लो होगा आई, अगर इसमें करंट I1 फ्लो होता है तो यहाँ पर कितना होगा I-I1, यहां से I करंट फ्लो होता है तो यहां से I जाएगा, तो यहां से कितना बचेगा I-I1। और A D B लूप में किरचॉफ का नियम लगाते हैं और A D C पे किरचॉफ का लॉ लगाते हैं और दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमको एक बार I1 मिलता है, दूसरी बार I-I1 या I मिलता है। कोई भी करंट ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन एक ही इक्वेशन बनाने से कैसे निकालते हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, ऐसा करना नहीं है, कुछ ऐसा एज्यूम करना नहीं कि यहाँ से इतना करंट आता है, यहाँ से इतना करंट आता है। हमको पता है कि 70 वोल्ट में से करंट निकलने वाला है क्योंकि उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, तो 70 वोल्ट से डी तक जाता है। लेकिन इस जंक्शन में आपको ऐसा कंसिडर कर लेना है, ज़ूम कर लेना है कि करंट या तो बाहर निकल रहा है या तो अंदर जा रहा है। कोई भी एजम्पशन ले सकते हो, कोई भी कंसिडरेशन कर सकते हो। दोस्तों, मैंने यहाँ पे जंक्शन डी से करंट बाहर निकलता है ऐसे मैंने एज्यूम कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे नोड एनालिसिस करूँगा। नोड एनालिसिस मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको नोड एनालिसिस पता नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है। दोस्तों, कैसे एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल चलो करंट I1 आ रहा है, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3, I1 I2 I3 करंट निकलता है। तो KCL क्या कहता है, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि जितना करंट बाहर निकलता है उतना अंदर, तो अंदर तो दाखिल ही नहीं हो रहा है तो बाहर कितना निकल रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बाहर तो निकल ही नहीं रहा। तो I1, I2 और I3 का हम एडिशन करेंगे, उसका आंसर 0 हो जाएगा क्योंकि करंट अंदर दाखिल होता ही नहीं, सभी करंट बाहर निकलते हैं।
तो आई वन क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो इन बिटवीन वोल्टेज क्या है डी, इसका पोटेंशियल हम वी ले लेते हैं, इसका पोटेंशियल हम वी ले लेते हैं और हमको वी फाइंड आउट करना है। तो यहां पे केसीएल लगाते हैं वी माइनस सेवेंटी करंट की डिरेक्शन में आ जाते हैं, तो निशानी हमको जो सिंबल लेना है वो माइनस लेना है। वी माइनस ए का पोटेंशियल है 70, वी माइनस 70 बाय रेजिस्टेंस 30 ओम, प्लस वी माइनस टेन बाय रेजिस्टेंस 10 ओम, प्लस वी माइनस जीरो, इसका पोटेंशियल जीरो है तो वी माइनस जीरो इज इक्वल टू वी बाय 20 इज इक्वल टू जीरो। दोस्तों आपका काम खत्म हो गया, एक ही इक्वेशन में आपका काम खत्म हो गया, क्योंकि देखो यहां पे वी बाय 30 प्लस यहां पे वी बाय 10 प्लस यहां पे वी बाय 20, तो अभी बचा क्या 70 बाय 30 माइनस 10 बाय 10 माइनस, और यहां पे तो कुछ है नहीं, 70 बाय 30 सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 70 बाय 30, यहां पे माइनस 10 बाय 10 सामने जाएगा तो 10 बाय 10 इज इक्वल टू 1 माइनस सामने जाएगा तो प्लस 70 बाय 30 प्लस 1। दोस्तों यहां से v को आपको निकाल लेना है, अभी मैं नहीं निकाल रहा हूँ यहाँ, इस ज़्यादा उसका डिस्कस करने का जरूरत नहीं, आपको पता चल गया यहाँ से v कॉमन निकलेगा 1/30 प्लस 1/10 / 1/20, उसका सॉल्व करोगे तो उसको v मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको v, अब v कितना मिलेगा वो सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन हो, ये लेक्चर में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे लग रहा है। तो v कितना होता है, फॉर एग्जाम्पल चलो V का पोटेंशियल 10 वोल्ट आ गया, उसका मतलब क्या है कि इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका मतलब कि इससे करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। हमने इसको कंसीडर किया कि करंट बाहर निकल रहा है, लेकिन हमको फाइनली पोटेंशियल 10 वोल्ट मिला, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इस ब्रांच में कोई भी करंट जा ही नहीं रहा। तो क्या होगा, यहां से करंट आएगा, इसमें कुछ जाएगा नहीं, इस ब्रांच में चला जाएगा, तो एक ही लूप कंटिन्यू होगी, ए डी और बी में ही करंट जाएगा, डी टू सी करंट कोई फ्लो होने वाला नहीं। तो यहां का पोटेंशियल हमको 10 मिल गया, चलो तो 70 माइनस 10 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 70 माइनस 10 60 बाय रेजिस्टेंस 30, तो उसका क्या आ गया 2 एम्पियर। आई इज इक्वल टू वी बाय आर, इसका इसके इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला 70 माइनस 10 60 बाय रेजिस्टेंस 30, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, 60 बाय 30 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब यहां पे 2 एम्पियर करंट जा रहा है, यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और यहां से 2 एम्पियर निकल के ए टू डी जाएगा और डी टू बी जाएगा। दोस्तों एमएनए फाइनली हमारा आंसर 10 होल्ट नहीं आया, याद रखना 10 होल्ट आपको यहां से वी निकालना है जो भी आए। अगर यहां पे पोटेंशियल आ गया 5 वोल्ट, अगर 5 वोल्ट आता है तो करंट कैसे फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है 10 to 5 करंट ऐसे फ्लो होगा, क्योंकि यहां का पोटेंशियल ज्यादा है यहां का कम है। 70 to 5 यहां से करंट फ्लो होगा, यहां से भी कुछ करंट आने वाला है, यहां से भी कुछ करंट आने वाला है, दोनों साथ मिलके यहां पे करंट फ्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां से कुछ करंट आ रहा है I1, यहां से कुछ करंट आ रहा है I2, तो यहां पे जाएगा I1 प्लस I2, क्योंकि इसका पोटेंशियल इसके कंपेयर में, जीरो के कंपेयर में ज्यादा है, यहां का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, यहां का जीरो है तो कम है, तो करंट 5 to 0 जाएगा। तो 70 to 5 10 to 5 यहां से दो करंट फ्लो हो गए और ये यहां पर डी टू बी में वो चला जाएगा टोटल करंट। तो ऐसे सिंपली एक ही इक्वेशन में नोड एनालिसिस करके हम कोई भी ब्रांच में कितना करंट, अभी पोटेंशियल मिल गया काम खत्म हो गया, क्योंकि उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, रेजिस्टेंस आपको पता आई इज इक्वल टू वी बाय आर, इसमें करंट मिल गया, इसमें करंट मिल गया, इसमें करंट मिल गया, इसका पोटेंशियल मिल गया,
तो सब क्वेश्चन का आपको आंसर एक ही इक्वेशन में मिल गया है नोडल एनालिसिस करके। तो दोस्तों ऐसे सर्किट सॉल्व करने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न बनाए। यहाँ पे करंट I1 जाता है, यहाँ पे I2 जाता है, तो यहाँ पे I1-I2 जाता है, ये आपको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, दो इक्वेशन को फाइनली सॉल्व करना है और आपका आंसर आएगा, तो लंबी प्रोसेस हो जाएगी, ये हमको करना नहीं है। दोस्तों अब हम एक दूसरी सर्किट देखते हैं। इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक एसी सर्किट दी है, उसको आपको पता चल जाना चाहिए कि यह मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर इसका रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस का हम रेशियो ले ले, R1/R2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2/4, क्या होगा, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो उसको इसका रेशियो ले लेता है R3/R4, इसका मतलब क्या हुआ, 4 ohm/2 ohm इज इक्वल टू 2 ratio निकल गया हमारा। दोस्तों R1/R2 इज नॉट इक्वल टू R3/R4। यहां पे R1/R2 1/2 मिला है और R3/R4 हमको 2 मिला है। दोस्तों यहां पे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से गैल्वेनोमीटर का जो भी ब्रांच है यहाँ, उसमें कोई ना कोई करंट फ्लो होगा ही होगा। अगर इसका पालन होता है, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होता है, तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है और ये रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं सर्किट में, उसका कोई काम नहीं है। अगर ये सर्किट से निकाल दिया रेजिस्टेंस, तो सिंपल सर्किट बन गया, 2 ohm और 4 ohm रेजिस्टेंस सीरीज में, 4 और 2 फिर से सीरीज में, और ये दोनों पैरेलल में। लेकिन हमारा ये रेजिस्टेंस बचता है, रहता है 100 ohm का, तो आप ऐसा कर सकते नहीं है। और हमारा यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए हम ये रेजिस्टेंस निकाल नहीं सकते। तो दोस्तों ऐसी सर्किट कैसे सोल्व करें, व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड न हो तब आपको कोई भी ब्रांच में करंट निकालना हो और कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसा पूछा था कि जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं था। तो दोस्तों ये हम सॉल्व करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस नहीं होता है तो कैसे सर्किट को सॉल्व करते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई बैटरी लगी है, मान लो 10 वोल्ट, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है 10 वोल्ट, यहां से कुछ करंट आ रहा है आई, इस ब्रांच में जाएगा, इस ब्रांच में जाएगा। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस है तो इस ब्रांच से सीधा यहां पे चला जाएगा और यहां से चला जाएगा, गैल्वेनोमीटर में नहीं जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए करंट यहां से कुछ फ्लो होगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ से फ्लो होगा, इस ब्रांच में तो जाएगा ही, इस ब्रांच में जाके फिर से यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव में आएगा। तो दोस्तों ये सभी ब्रांच में करंट फ्लो होता है, तो आपको सिंपल मेथड यूज़ करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। अगर आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे I1 करंट जाता है, यहाँ पे I2 करंट आता है, तो यहाँ पे कितना जाता है I3, तो यहाँ पे कितना आएगा I1-I3, ऐसा कुछ भी करना नहीं है। I1, I2, I3 आपके पास 3 ऐसे करंट हो जाएंगे जो अननोन है, और वो निकालने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आंसर आए ना आए उसकी कुछ गारंटी भी नहीं।
ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो दोस्तों हमको ये करना नहीं है। मैं आपको उसका शॉर्टकट बताता हूँ दोस्तों कैसे करते हैं। अगर इसका पोटेंशियल, देखो यहाँ पे 10 होल्ट का बैटरी है, इसका पोटेंशियल हम जीरो कंसीडर कर ले। मैंने आपको बताया था नोडल एनालिसिस में कोई भी एक रेफरेंस का पोटेंशियल जीरो ले लेना है, तो इसका पोटेंशियल हम जीरो ले लेते हैं। इसका मतलब यहाँ का जीरो वोल्ट हो गया दोस्तों। ये जीरो वोल्ट हो गया तो उसकी कंपेयर में इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा, तो यहाँ का 10 वोल्ट पोटेंशियल हो गया दोस्तों। दोनों पोटेंशियल आपको पता चल गया है कि ये 10 वोल्ट है, ये जीरो वोल्ट है। ये दोनों का पोटेंशियल आपको पता नहीं है, तो आपको अज्यूम कर लेना है कि इसका VA है और इसका VB है। इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB है। अगर हमको दोनों का पोटेंशियल मिल जाए तो गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट फ्लो होगा वो हमको पता चल जाएगा, क्योंकि VA माइनस VB मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस हमको पता है, तो I इज इक्वल टू V बाई R, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस करके हम करंट निकाल सकते हैं। लेकिन हमको दोनों का पोटेंशियल पता नहीं है, तो यहाँ पे हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे नोडल एनालिसिस पहले लगाते हैं। यहाँ से करंट बाहर फ्लो होता है, यहाँ से करंट बाहर फ्लो होता है, यहाँ से करंट बाहर फ्लो होता है, ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूँ। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे नोडल एनालिसिस कीजिए। VA माइनस 10, करंट बाहर निकल रहा है, यहां से शुरू करना है। VA माइनस 10 बाय रेजिस्टेंस कितना है 2, VA माइनस 10 बाय 2 प्लस यहां पे VA माइनस 0, यहां पे लगाते हैं VA इस ब्रांच में, VA माइनस VB, तो यहां का कितना होगा VA माइनस VB बाय 100 ओम प्लस यहां का कितना है VA माइनस 0, जीरो लिखने का कोई जरूरत नहीं है, VA माइनस 0 VA बाय 4, VA बाय 4 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। हमने यहां पे नोडल एनालिसिस कर दिया, अभी यहां पे भी नोडल एनालिसिस लगाना है। यहां पे चलो करंट बाहर निकल रहा है ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, तो यहां पे क्या होगा VB माइनस 10, VB माइनस 10 बाय 4 ओम रेजिस्टेंस प्लस VB माइनस VA, VB माइनस VA बाय 100 ओम रेजिस्टेंस प्लस VB माइनस 0 यानी VB बाय 2 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। दोस्तों ये VB माइनस VA है, ये VA माइनस VB है बाय 100 है, ये आपको पता चल गया होगा कि इसको अगर मुझे VB माइनस VA लिखना है तो ये उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये VB माइनस VA हो जाएगा। अगर VA माइनस VB को VB माइनस VA करना है तो अपने को यहां पे क्या करना है उसका साइन चेंज कर देना। साइन चेंज हो गया, अभी दोनों इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, आपको दोनों को एडिशन करना है, तो ए माइनस वाला और ये प्लस साइन वाला दोनों इक्वेशन यहां से निकल जाएंगे, ये और ये सब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वी बी माइनस वी ए बाय 100, वी बी माइनस वी ए बाय 100 प्लस एन माइनस ए दोनों कैंसिल हो गए, तो यहां पे क्या हुआ वी ए बाय 2, VA by 2 plus VA by 4, VA by 2 plus VA by 4, VB by plus VB by 4 plus VB by 2। अभी क्या बचा minus 10 by 2, इक्वल के सामने साइड में लिख लेता हूं, minus 10 by 2 यानी 5, minus 5, minus 5 सामने जाएगा तो plus 5। अभी क्या बचा VA by 2 लिखा है, VA by 4 लिखा है, VB by 4 लिखा है और VB by 2 लिख दिया हमने, तो इसमें क्या बचा माइनस 10 by 2 यानी माइनस 5 सामने जाएगा तो प्लस 5, इसका काम खत्म। यहां पे क्या बचा माइनस 10 by 4 सामने जाएगा तो
प्लस 10/4 और यहां का काम हम खत्म। दोस्तों यहां पे va बाई टू प्लस va बाई फोर, इसका कैलकुलेशन करते हैं और इसका कैलकुलेशन करते हैं। va बाई टू प्लस va बाई फोर क्या होगा, फोर, टू va प्लस va इज इक्वल टू 3va बाई फोर, यहां पे नीचे 4 आ जाएगा, 2va प्लस va 3va बाई फोर, ये कंप्लीट। प्लस इसमें भी vb बाई फोर प्लस vb बाई टू है, तो इसमें भी क्या आएगा, 3vb बाई फोर इज इक्वल टू 5 × 20, 20 प्लस 10 30/4। अब इसमें से 3/4 कॉमन निकलेगा, देखो 3/4 कॉमन निकलेगा, 3/4 कॉमन, va प्लस vb मिल गया हमको और सामने 30/4। दोस्तों va प्लस vb इज इक्वल टू, ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा 120 और यहां पे मल्टीप्लाई होगा 12 × 10। देखो क्या हुआ, va प्लस vb 10 होल्ड हो गया, तो va कितना होगा, अगर va बाई vb 10 होल्ड हो गया, va प्लस vb 10 होल्ड हो गया, तो हमारा va क्या होगा, 10 माइनस vb। दोस्तों आपका आंसर आ गया, va प्लस vb इज इक्वल टू 10 वोल्ट होगा, तो va इज इक्वल टू 10 माइनस vb होगा। अगर va की वैल्यू 10 माइनस vb है, तो कोई भी इक्वेशन में, इसमें से कोई भी इक्वेशन में, ये इक्वेशन या ये कोई भी, इसमें कोई भी इक्वेशन में va का वैल्यू 10 माइनस vb रख देंगे, 10 माइनस vb हम ले लेंगे, तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, 10 माइनस vb रख दिया, इसमें 10 माइनस vb रख दिया, इसमें 10 माइनस vb रख दिया, तो va सभी से कैंसिल हो जाएगा, तो vb मिल जाएगा। अगर vb मिल गया, तो कोई भी इक्वेशन में vb की वैल्यू रख देते हैं, तो यहां से हमको va मिल जाएगा। अगर va और vb मिल गया, तो हमको क्या मिलेगा दोस्तों, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, तो इस ब्रांच में से करंट कितना मिलेगा वो पता चल जाएगा, इस ब्रांच में से करंट कितना फ्लो होगा वो पता चल जाएगा, इस ब्रांच में कोई भी ब्रांच में कितना करंट फ्लो होता है वो पता चल जाएगा, क्योंकि हमको इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल मिल गया। दो पॉइंट पे हमको नोडल एनालिसिस करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे ए वी ए प्लस वी बी मिल जाएगा, वी ए प्लस वी बी मिलने के बाद हमको कोई भी एक को बाहर निकालना है, वी ए को बाहर निकालो या वी बी को, अगर वी बी को बाहर निकालते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वी बी को बाहर निकाल दिया तो क्या होगा, 10 माइनस वी ए, तो यहाँ पे वी बी की जगह पे 10 माइनस वी ए रख देते हैं, तो यहाँ पे हमको वी ए मिल जाएगा। वी ए मिल गया, तो उसके बाद कोई भी इक्वेशन में हमको इसकी वैल्यू मिल जाए तो वी बी मिल जाएगा, वी ए और वी बी मिल गया तो हमारा काम खत्म हो गया। तो दोस्तों ज़्यादा सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बैलेंस्ड वेस्टर्न बेस नहीं है, तो कैसे कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं और कोई भी ब्रांच में कितना करंट फ्लो होता है वो हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम दूसरी सर्किट भी देखने वाले हैं। फ्रेंड्स हम ऐसे सर्किट की बात करेंगे जहां पे आपको ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों। यहाँ पे सीधे सीधा आपको कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल या सीरीज नहीं देखने को मिलेगा, ये दोनों पैरेलल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस आ जाता है, ये दोनों पैरेलल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीच में एक रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स देने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों यहाँ पे मुझे एक वेस्टर्न ब्रिज दिखाई दे रहा, देखो यहां से कोई भी करंट आएगा तो इसमें डिवाइड होगा और ये आपका हो गया गैल्वेनोमीटर, आपको दिखाई दिया होगा वेस्टर्न ब्रिज, यहां पे करंट डिवाइड होगा और यहां पे कुछ करंट आता होगा, लेकिन अगर वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये रेजिस्टेंस का कुछ मतलब रहता नहीं है। तो यहां पे अपना वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस है, R/R = 1, R/R = 1, ये आप हमको यहाँ पे देखना नहीं है।
तो आपको वेस्टर्न ब्रिज दिखाई देगा। आर बाय आर, आर बाय आर इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू वन, आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाय आर फोर का यहाँ पे पालन होता है, तो हम यहाँ पे ये रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर निकल जाएगा यहाँ से तो हमारी सर्किट आसान हो जाएगी। ये देखिए ए सीरीज में आ गया, अभी उसको सीरीज रेजिस्टेंस कितना हुआ, R प्लस आर टू आर हो गया। ए रेजिस्टेंस R का हो गया, ये पॉइंट हम कंसीडर करते हैं C, तो ये हमारा पॉइंट हो गया C। R प्लस आर टू आर हो गया, ये रेजिस्टेंस R हो गया, यहाँ पॉइंट C आ गया। बीच में से जो गैल्वेनोमीटर वाला रेजिस्टेंस वो निकल गया क्योंकि ये बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज है। अभी यहाँ पे जो भी पॉइंट हम यहाँ पे डी डिक्लेयर करते हैं इस पॉइंट को, तो डी टू सी इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो ये हमारा हो गया डी पॉइंट, उसके बीच में एक रेजिस्टेंस है आर ओहम का, यहाँ पे आर ओहम का रेजिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ पे भी आर ओहम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, और यह पॉइंट बी और यह पॉइंट है। दोस्तों फिर से एक वेस्टर्न ब्रिज बन गया, टू आर बाय आर इज नॉट इक्वल टू आर बाय आर, यहाँ पे होगा करंट यहाँ से आएगा डिवाइड होगा और ये अपना गैल्वेनोमीटर हो गया, वेस्टर्न ब्रिज ही है लेकिन बैलेंस्ड नहीं है। टू आर बाय आर इज नॉट इक्वल टू आर बाय आर, इसलिए हमारा बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज नहीं है। तो कैसे इसमें करंट निकालते हैं वो तो मैंने पता कर दिया आपको कि आपको यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी लगा था, लेकिन यहाँ पे कोई बैटरी तो लगा ही नहीं है। अब क्या करेंगे, अगर बैटरी लगा होता यहाँ पे तो आप क्या कहते हैं, एक का रेफरेंस 0 वोल्ट ले लेते हैं और दूसरा उसके कंपेयर में दूसरा का ले लेते हैं, लेकिन अभी आपके पास कोई भी यहाँ बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो ए और बीच में से रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सिंपल, इसको स्टार डेल्टा कन्वर्ट कर दीजिए। मैंने आपको बताया था स्टार डेल्टा कन्वर्जन कैसे होता है, वो अगर आपको पता नहीं हो तो ये मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, आप उसमें से समझ सकते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा स्टार, देखो ये स्टार परिपथ है, इसको हम डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको डेल्टा बना देता है। ये हो गया हमारा डेल्टा, स्टार में से डेल्टा बनाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है। मैंने आपको बताया था स्टार डेल्टा कन्वर्जन करने के बाद हमको इसका रेजिस्टेंस निकालना है, उसका रेजिस्टेंस हम कह देते हैं R1, इसका कह देते हैं R2 और इसका कह देते हैं R3। तो उसकी फॉर्मूला मैंने आपको समझाई थी, ये R1 R2 R3 कैसे निकालना है। अब हम इस लेक्चर में उसको रिवाइज नहीं करेंगे। अगर आपको समझना है तो स्टार डेल्टा मेथड वाला मेरा लेक्चर सुन लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर हमको R1, R2, R3 मिल गया तो हम यहाँ से स्टार वाला परिपथ निकाल देते हैं, तो ये स्टार वाला परिपथ हमारा निकल गया यहाँ से। ये बीच में से हमारा स्टार वाला सर्किट निकल गया, तो अब क्या बचा, डेल्टा। तो हमको ये पता चल गया R2 कितना है, R3 कितना है पता चल गया, R1 भी पता चल गया। तो अभी क्या हुआ, देखो ऐसा सर्किट बन गया, सिंपल R1 अब हमको पता चल गया, एक कितना सर्किट है R2 और R पैरेलल में, R2 और R पैरेलल में इसका R2R बाय R2 प्लस R, हमको पैरेलल का इक्वेशन मालूम है। और ये क्या हो गया, ये भी पैरेलल में है तो R3 इंटू R बाय R3 प्लस R हो गया। अभी इसका जो आंसर आएगा वो दोनों सीरीज में होगा और इसका जो आंसर आया उसके साथ पैरेलल में होगा, आपका सर्किट कंप्लीट हो भी मुझे लग रहा है। थोड़ा वैल्यू अब अगर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस ऐसे कुछ R ऐसा कुछ वैल्यू दिया है
तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, आपको वेस्टर्न ब्रिज दिखना चाहिए, दैट्स इट। अगर वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस है तो ए सीरीज में हो गया, इसका वैल्यू आर प्लस आर टू आर हो गया, तो मैंने सर्किट बनाया था टू आर आर, यहाँ पे आर आर और बीच में आर, तो वेस्टर्न ब्रिज अनबैलेंस था, बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज नहीं था, इसलिए हमने यहाँ को इसको इस सर्किट को स्टार में से डेल्टा कन्वर्ट करके ए रेजिस्टेंस आर वन, आर टू और आर पैरेलल, आर थ्री और आर पैरेलल, ये दोनों सीरीज में और इसके साथ है पैरेलल, ऐसे सर्किट हमने सॉल्व किया। दोस्तों ये भी थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसके बाद इससे भी शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, देखो इससे भी शॉर्ट मेथड में आपको बताने वाला हूं। अपना रेजिस्टेंस यहां था, हमने निकाल दिया वेस्टर्न ब्रिज के हिसाब से, इसे कैसे शॉर्ट करते हैं देखो। इस टाइप की सर्किट को देखे, सिमेट्री सर्किट है। देखो यहां पे 2R, यहां पे 2R, RR, सॉरी यहां पे RR, यहां पे RR, यहां पे RR और बीच में ये अपना R। अगर उसको A और B के बीच में से वर्टिकल हम को इसको काट देते हैं, तो अपना वो पिक्चर होता है ना फ्री एंड जैसा होता है, इस तरफ भी ऐसा और उस तरफ भी ऐसा ही होता है, तो यहां पे हमारे जो सिमेट्री मिलती है, तो देखो आर 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 थ्री रेजिस्टेंस है, आर 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 यहां पे भी थ्री रेजिस्टेंस है और बीच में से काट दिया। बीच में से काटने से इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस आर बाई टू हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस भी आर बाई टू हो जाएगा और डिवाइड हो गया। अगर यहाँ पे कोई रोड है आर ओहम का, तो बीच में से काट देंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो बीच में से काट दिया तो लेंथ हाफ हो गई, रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आर बाई टू आ जाएगा, यहाँ पे आर बाई टू आ गया, इसको यहाँ से काट देना है। अब कैसे होगा, अगर ये सर्किट हमने काट दिया तो एक जो भी सर्किट कटा हुआ उसका रेजिस्टेंस मान लो आर डैश है, तो सामने का जो भी है उसका भी आर डैश होगा, इसका आर डैश है तो सामने सिमेट्रिकल सर्किट है, वैसा ही सर्किट है तो उसका रेजिस्टेंस भी आर डैश होगा, और यहां आर डैश और आर डैश दोनों सीरीज में हो गए, यानी उसका रेजिस्टेंस टू आर डैश हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, ऐसी सिमेट्री सर्किट को बीच में से काट देना है और एक साइड का रेजिस्टेंस हमको निकाल देना है और दूसरे साइड का रेजिस्टेंस इतना ही होगा और सीरीज में है तो उसका टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आर डैश हुआ तो उसका टू आर डैश होगा। तो अभी सर्किट इसमें बीच में से मैंने काट दिया, चलो अभी ये मैं निकाल देता हूँ, बीच में जो सर्किट काट दिया वो ऐसे निकाल देता हूँ। दोस्तों याद रखना है, जो भी पोर्शन हमने काटा है, हमने यहां से बीच में से काट दिया, तो जो भी पॉइंट कट हुआ है उसको जॉइन कर देना है, जहां से भी आप सर्किट को काट रहे हो उस पॉइंट को जॉइन कर देना है, अलग नहीं रखना है। हमने जॉइन कर दिया इस पॉइंट और इस पॉइंट को, तो देखो कैसा हो गया हमारा सर्किट, अभी इसको मैं बी पॉइंट कह देता हूं। चलो तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसा निकालेंगे, देखो यहां पे क्या हो गया, ए दोनों पैरेलल हो गया, देखो ये यहां पे मिल रहे हैं और इस पॉइंट पे भी मिल रहा है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, तो यहां पर रेजिस्टेंस हमारा आर आएगा, दूसरा रेजिस्टेंस ए भी आर है और ए पॉइंट हमारा ए है, ये आर रेजिस्टेंस, ए आर रेजिस्टेंस। अब इन बीच इस दोनों के बीच में जो भी रेजिस्टेंस मिलने वाला है इसका, उसका रेजिस्टेंस दोस्तों कितना है, यह मेरा पॉइंट हम कह देते हैं, चलो ये पॉइंट हमारा बी पॉइंट है, तो ये भी बी होगा, ये भी बी पॉइंट होगा, राइट। अभी ये दोनों पैरेलल है तो इस पॉइंट यहां पे और दूसरा ए पॉइंट
इसके बीच में ऐसा रेजिस्टेंस है जो दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल है, और इसका आंसर क्या होगा, R by 2 into R by R by 2 plus R, R dash. R1 R2 by R1 plus R2, पैरेलल का हमको इक्वेशन पता ही है, R1 R2 into, sorry, upon R1 plus R2. ये रेजिस्टेंस निकालोगे तो कितना होगा, R square by 2, R into R, R square by 2, और ये हो गया 2R plus R, ये 3R by 2, 2 2 cancel हो गया, और R square में से एक R cancel हो जाएगा, तो क्या बचा, R by 3. तो दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस हो गया R by 3. तो ये दोनों का पैरेलल होके R by 3 रेजिस्टेंस हमको मिल गया, तो यहाँ पे मैं R by 3 रेजिस्टेंस रख देता हूँ बीच में से, ए पॉइंट में से ए पॉइंट, और ए पॉइंट में से ए पॉइंट, इसके बीच में मैं क्या रख देता हूँ, R by 3. अब ये पॉइंट हमारा ए है और ए पॉइंट हमारा बी था, इसका मतलब ए पॉइंट हमारा बी था. अब क्या हुआ, ये दोनों सीरीज में हो गया, तो सीरीज का रेजिस्टेंस हमको मालूम ही है, R प्लस R by 3, तो 3R प्लस R यानी 4R by 3, तो वो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है वो 4R by 3 हो गया, और नीचे का रेजिस्टेंस है वो R हो गया. ये आपका A पॉइंट और ये आपका B पॉइंट. ये 4R, 4R by 3 रेजिस्टेंस और R एक दोनों को पैरेलल में है, उसका इक्वेशन बना लीजिए. कोई भी रेजिस्टेंस अगर आपको मिल गया है तो वो आपका इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा. फॉर एग्जांपल, चलो इसका रेजिस्टेंस कुछ आया R डैश. अब क्या करना है, इतना ही रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने जो हाफ सर्किट काटा था सिमेट्री उसका इतना ही होगा, तो प्लस R डैश इज इक्वल टू कितना हुआ, 2R डैश. ये हमारा रेजिस्टेंस मिल गया. तो दोस्तों सिमेट्री सर्किट पहले देखना है, सिमेट्रिक इसको कहते हैं, उसमें बीच में से काट देना है, एक काटा हुआ है पोर्शन है उसको ज्वाइन कर देना है, उस सभी पॉइंट को ज्वाइन कर देना हो, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और इसके बाद जो भी काटा हुआ पोर्शन होगा उसका रेजिस्टेंस इसमें आप सीरीज में होता है तो सीरीज में कर दीजिए, तो सीरीज में करेंगे तो आपका ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R डैश प्लस R डैश इज इक्वल टू 2R डैश बन जाएगा, और फाइनल रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा. तो ऐसे अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर आपका सिमेट्री सर्किट है तो कैसे शॉर्ट में आपको करंट या कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालना है मैंने आपको बताया. दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको ये लेक्चर बहुत काम आने वाला है. लास्ट टाइम ये रिवीजन भी करना कि कोई भी शॉर्टकट ट्रिक से हम कैसे कॉम्प्लेक्स परिपथ को सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच, आपने ये लेक्चर देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा. दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.